शहर कराची में इन दिनों कड़ाके की गर्मी, आग बरसाते सूरज ने गोया शहरियों को बेहाल कर दिया। शदीद गर्मी से बचाव का तोड़ निकालते हुए कराची के बासियों ने सीवियो, क्लिफ्टन और दो दरिया साहिल का रुख कर लिया है, जहां सुरमई बादलों, ठंडी ठाठ हवाओं और शोर मचाती लहरों ने सबके दिलों को गार्डन गार्डन किया हुआ है। शहरी कहते हैं, गर्मी को दूर भगाने के लिए इससे बेहतर तफरीही पॉइंट कोई नहीं। कराची में इतनी गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है। इधर समंदर पे माशाल्लाह सैल तफरी वास्ते आवाम आती है, खुशी से बैठती है, एंजॉय करती है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। घरों में तो पानी, बिजली और गैस की अदम दस्तियाबी ने जीना मुश्किल कर रखा है। यहाँ मौसम मौसम है, यहाँ तो थोड़ा सा मौसम सही है पानी के पास, तो वहाँ चले जाओ तो फिर थोड़ी सी गर्मी है। हम समंदर पे आए, बहुत मजा आ रहा है घर में, लेकिन बहुत गर्मी है। कुछ भी नहीं रहता, ना गैस रहती है, ना पानी रहता है, ना लाइट रहती है। समंदर में थोड़ा सुकून मिल रहा है जी, समंदर में आके थोड़ा सही लग रहा है, वरना तो बहुत गर्मी है। जब हम घर से निकले थे बहुत शदीद की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी बेटा, जो बर्दाश्त से बाहर है। घरों में तो ऐसे जैसे भट्टी बने हुए, और सोने पे सो गए, ये कि उस पे लाइट नहीं है। शहरी जहां मजे मजे के पकवान, घुड़सवारी और बाइक राइड करके खूब महसूस हो रहे हैं, वहीं माह जून में समुद्री लहरों की सतह बुलंद रहने से नहाते वक्त एहतियाती तदाबीर भी मलहूज़े खास रखने की जरूरत है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर।